दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरियल कहीं तो होगा के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये शो बंद क्यों हो गया था। ये एक भारतीय धारावाहिक शो था जिसे एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म ने बनाया था। इस शो के कुल 799 एपिसोड को स्टार प्लस चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था। इस शो का पहला एपिसोड 8 सितंबर 2003 को आया था और आखिरी एपिसोड 16 फरवरी 2007 को आया था। इस शो की कहानी एक नॉवल पर बेस्ड थी। इस शो की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी 5 बहनों कशिश, महक, मौली, कनक और चारू से शुरू होती है, जो शिमला में रहती है। कशिश एक दिन एक यंग रिच बिजनेसमैन सुजेल गरेवाल की कार से टकरा जाती है। बाद में कशिश सुजुल के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाती है और उसे वहाँ नौकरी मिल जाती है और फिर धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर सुजेल और कशिश की लाइफ में कई उतार चढ़ाव आते हैं। इस तरह शो की कहानी चलती रहती है। इस शो की कास्ट की बात करें तो इस शो में आमना शरीफ ने कशिश का रोल किया है, पूनम जोशी ने महक का, रोहित बख्शी ने पीयूष का और पहले राजीव खंडेवाल ने तथा बाद में गुरप्रीत सिंह ने सुजेल गरेवाल का रोल किया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये शो बंद क्यों हो गया था। ये एक पॉपुलर शो था जो लगातार 3.5 साल तक चला था। इसको जब फरवरी 2008 में बंद किया जा रहा था तब इस शो के डायरेक्टर ने बताया था कि इस शो को केवल 1 साल के लिए ही बनाया गया था और इसमें वो एक प्रेम कहानी को दिखाना चाहते थे। पर शो लेट नाइट 11 बजे आने के बाद भी लगातार बहुत अच्छी रेटिंग लाता रहा और शो को चालू रखा गया। पर अभी शो की कहानी कंप्लीट हो गई है और अब वो शो को और खींचकर शो में जनरेशन लीप लाकर शो की कहानी को बिगाड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए उस शो को एक हैप्पी नोट पर बंद कर रहे हैं और यही कारण था इस शो के बंद होने का। तो दोस्तों, आपको ये सीरियल कैसा लगता था हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको इस सीरियल में सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा था ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे।